हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में। देखिए, कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और लगभग हर किसी को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो आज हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इससे हम कैसे बच सके। अगर हमें ये हो जाता है तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, कंजक्टिवाइटिस एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कहने का मतलब एक से दूसरे में फैलती है। कोई पेशेंट अगर या कोई भी पर्सन अगर कंजक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड है तो उससे आप दूर रहें और उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचें। और जिसको भी कंजक्टिवाइटिस है वो कहीं बाहर ना जाए, अपने घर पर रहकर उसका ट्रीटमेंट करें। 2 से 3 दिन में ये ठीक भी हो जाता है, पर एक प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक होता है। देखिए, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, अगर वो हो गया है तो आपको 2-3 लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपके आँखों में दर्द होगा, आपकी आँखें पूरी लाल हो जाएंगी। हो सकता है आँखों में स्वेलिंग भी आ जाए, कीचड़ भी आए आपके आँखों में, और आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होती है। तो इस तरीके से जो कंजक्टिवाइटिस के कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी है। इन दोनों चीज़ों को आपको यूज़ करना है। एक है आई ड्रॉप और एक दूसरा जो मेडिसिन है वो एक टेबलेट है जिसको आपको लेना है। तो उस आई ड्रॉप का नाम है मॉक्सीसिप डी। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन है जो कि आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो आप मॉक्सीसिप डी आप ले सकते हैं। इसको 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार आपको आंखों में डालना है। और एक टैबलेट आपको लेनी है, उसका नाम है मोंटेयर एलसी। इस टैबलेट को आपको रात में 1 टैबलेट लेना है। तो आपको कम से कम 3 दिनों तक, मैक्सिमम 5 डेज तक आपको ये टैबलेट लेनी है। सिर्फ रात में ही लेने है, याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो आई ड्रॉप है इसको भी कम से कम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज तक आपको अपनी आँखों में अप्लाई करना है। आँखों को ठंडे पानी से धोइए, आपको धोना है, और कॉटन का यूज़ करिए उसको अपनी आँखों को ड्राई करने के लिए, पोंछने के लिए। इस तरीके से आपको सूती कपड़ा लेना है, यानी सूती जो होता है कॉटन का जो हैंकी होता है, रुमाल होता है, उससे अपनी आँखों को पोंछना है। और गॉगल लगा कर रखिए ताकि दूसरों को भी ये ना फैले। और कोशिश करिए कि घर पर ही आप रेस्ट करिए और बाहर ना निकले। और 3 से 4 दिनों के अंदर ये ठीक हो जाता है। और आपको मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं मेडिसिन को बीच में। तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी मेडिकल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।